الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يسلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آمنہ کا دلارہ دائی حلیمہ کا کھلونا در یتیم رحمت للعالمین شہنشاہ وفا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں یہ رباعی کہیں کون سے بلغ العلا بکمالہ پہنچے بلندی کے مقام پر اپنے کمال سے کشف الدجا بجمالہ دنیا کی تاریکی کو ختم کر دیا اپنے حسن و جمال سے حسنت جمیع خصالہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عادتیں اچھی تھی اچھی ہیں یہ تین مشرا بنانے کے بعد شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ چوتھا مشرا وزن بیٹھانے کے لیے ذہن میں نہیں آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکوا کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا یہ تین مصرع سنایا کون سا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا جملہ بڑھایا صلوا علیہ وآلہ پڑھو درود ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد پر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے دن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। किसका महीना चल रहा है? इस्लामी महीने के एतबार से रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। रबी के माने आते हैं खुशगवार मौसम के, बहारों के, शादाबी के। रमजानुल मुबारक के महीने में क्या आया? कुरान आया, कुरान आया। रमजान के महीने में क्या आया? रोजा आया, तरावीह आई। और रबीउल अव्वल के महीने में कौन मिला है? रबीउल अव्वल के महीने में कौन आए हैं? अरे माहे रबीउल अव्वल में वो आए हैं, माहे रबीउल अव्वल में वो आए हैं। दुनिया बनी है जिसके लिए वो दादा आए हैं। कौन आए हैं? माहे रबीउल अव्वल में वो आका आए हैं। दुनिया बनी है जिसके लिए वो दादा आए हैं। अल्लाह ने इस कायनात को जिसके लिए बनाया है, जिसके सदक़े में ये सारी कायनात बनी है, वो ज़ाते मुक़द्दसा इस माह मुबारक में। हमारे उलमाए देवबंद की किताबों में मैंने खुद पढ़ा कि बाद एतवार से इस महीने को तमाम महीने को फजीलत हासिल। गर्चे मैं नफ्स कदी का इनकार नहीं करता, अभी गुलदस्ते अहादीस जो हमारे खास दोस्त मुफ्ती शफीक साहब की लिखी हुई है, मैंने खुद उसमें पढ़ा। ये महीना वाकई बहारों का महीना है, तो क्योंकि इसके अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब इस महीने के ताल्लुक से बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, सुनेंगे इंशाअल्लाह कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए हैं, आम तौर से उलमाए किराम इस महीने के अंदर खास तौर से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत को, आका की सीरत की एक झलक ये भी मिलती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की आपकी जिंदगी का एक पहलू ये भी मिलता है कि ये 12 रबीउल अव्वल का दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका के अंदर बार बार आए। सहाबा की जिंदगी में बार बार आए, ताबईन की जिंदगी में बार बार आए, औलियाए किराम की जिंदगी में बार बार ये दिन आए, लेकिन किसी सहाबी ने, किसी औलिया अल्लाह ने, किसी बुजुर्ग ने इस दिन को जश्न विलादत के तौर पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थडे के तौर पर किसी ने नहीं मनाया। कोई बता सकता है मायका लाल कि ख्वाजा अजमेरी अली रहमान ने, साबिरपिया अली रहमान ने, हमारे बुजुर्गान दीन ने इस दिन को कोई त्यौहार के तौर पर मनाया? नहीं। त्यौहार का मसला आया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आका के चाहने वाले लाडले सहाबा भी प्यारे आका के साथ हिजरत करके मदीना शरीफ चले गए। वहां जाने के बाद देखा तो वहां के लोग साल में 2 मरतबा खुशियां मनाते। सहाबा को फिक्र हुई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे लिए इस्लाम में दाखिल होने के बाद कोई खुशी का दिन नहीं है क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से खुशी के दिन मांगे, हमारे लिए भी या अल्लाह, जिस तरह दूसरी कौमों का त्यौहार होता है उस तरह हमारे लिए भी, हमारे उम्मतियों के लिए भी त्यौहार दिया जाए। अल्लाह की तरफ से जो त्यौहार मिला, जिसको प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के तौर पर हमारे आप को दिया, मुहद्दिसीन ने आका की जबानों से निकले हुए अल्फाज को लिखा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, अल ईद व ईदान, ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम, अल ईद व ईदान, ईद उल फित्र व ईद उल अज़हा। ए मेरे सहाबा, मैं अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुआ, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए 2 त्यौहार दिए, एक ईद उल फितर है, एक ईद उल फितर है और एक ईद उल अज़हा। अल्लाह के नबी अल्लाह के पास से हमारे लिए कितनी ईद लेकर आए हैं? यही दो ईदों को
बहुत सारी रिवायत है। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने दो ही ईद मिलादुन नबी अल्लाह के नबी के चाहने वालों के लिए ईद के दिन नहीं है। सहाबा हमसे ज्यादा आका को चाहने वाले थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हुए थोड़ा वक्फा हो जाता, बेचैन होकर आका की तलाश में निकल जाते। जब तक कि आका के रूह मुकद्दस का ज़ियारत नहीं हो जाती तब तक चैन नहीं आती। फिर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाहने वालों से फरमाया करते थे, तुम मुझे उस तरह मत चाहना जिस तरह ईसाइयों ने हजरत ईसा को चाहा, उस उनको चाहते चाहते अल्लाह के मर्तबे तक पहुंचा दिया। बल्कि प्यारे आका ने फरमाया कि मुझे बस ये कहो अना अब्दुल्लाह व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं सिर्फ अल्लाह का एक बंदा अल्लाह का रसूल हूं, मैं भी खुदा से मांगता हूं, इय्याका नस्तईन, मैं भी मदद अल्लाह ही से मांगता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से सिर्फ दो ही ईद लेकर आए और सहाबा ने सिर्फ दो ही ईद मनाए, एक ईद उल फितर है, एक ईद अल-अज़हा है। इसके अलावा इस्लाम में कोई ईद नहीं है। ईद मिलादुन नबी के नाम से हमारी शरीयत के अंदर किसी ईद की गुंजाइश नहीं। बहुत सारी बातें आपने सुनी हो, ठीक है। अल्लाह के नबी की सीरत का एक पहलू यह भी है कि प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुआ, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में कब तशरीफ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अक्सर मुअर्रिखीन की राय है, अक्सर मुहद्दिसीन की राय है, अक्सर मुफस्सिरीन की राय है, अक्सर शारहीन की राय है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 9 रबीउल अव्वल को हुई। कौन से दिन हुई है? 9 रबीउल अव्वल को हुई और पीर का दिन था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखा करते थे। सहाबा ने फरमाया या रसूलल्लाह आप पीर के दिन के रोजे का एहतमाम करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये मेरा विलादत का दिन है इसलिए मैं रोजा रखता हूं, है ना। और रोजे, रोजा रखने को और ईद के अंदर, दोनों के अंदर बड़ा फर्क। ईद के दिन रोजा रखना जायज नहीं है क्यों? इराद अन ज़ियाफतिल्लाह लाज़िम है। यानी अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन ईद का दिन होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन खाने पीने का एहतमाम फरमाते, नए के रोजा रखने। इसलिए रोजा रखने का दिन है, ईद मनाने का दिन नहीं। ईद तो हमारे शरीयत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से दो ही ईद लेकर आए हैं, हम तो दो ही ईद मनाएंगे इंशाअल्लाह। एक पहलू यह है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, दादा का नाम क्या था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का नाम क्या था, नानी का नाम क्या था, आप किस खानदान के से, ये सब चीजें सीरत नबी का एक अहम पहलू है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मुझे कम वक्त दिया गया है, इंशाल्लाह अपने वक्त पर बात पूरी करूंगा इंशाल्लाह। आका की पहलू का, आका की सीरत का एक पहलू यह है कि हम इस छोटे से मजमा के अंदर इरादा करें हम सब मिलकर कि इंशाअल्लाह प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आका की सुन्नतों को पकड़ने का अल्लाह के नबी ने हमें आपको हुक्म दिया, अलैकुम बिसुन्नति, तुम मेरी सुन्नतों को पकड़ लेना, है ना। हम आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतें हैं, हम आप एक का इरादा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन हया सुन्नति इन द फसाद उम्मती फलाहु अजर मियाति शहीदी, जो मेरी कोई ऐसी सुन्नत को जिसको लोगों ने छोड़ दिया हो, अगर वो आदमी उस सुन्नत को पकड़ लेगा अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उसको 100 शहीद का सवाब अता फरमाएगा। और एक शहीद का मकाम क्या है? उसका खून जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देते हैं। हम इस छोटे से मजमा में इरादा करें हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले। जो सुन्नत आपको लगे, यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ उसने शुरू करने का हुक्म दिया है, जिनके माँ बाप जिंदा है वो अपने बारे में ये इरादा कर ले आज से हम आका की सुन्नत को जिंदा करेंगे। क्या करेंगे? आका की सुन्नत को जिंदा करेंगे, माँ बाप के साथ मखलूक में सबसे अच्छा बर्ताव करेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने से मना किया है, हम इरादा कर ले हम झूठ नहीं बोलेंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कि अपने मुसलमान भाई को देखो तो मुस्कुराओ, तबस्सुम काफी वजी अफीका सदका, अपने मुसलमान भाई को देखकर मुस्कुराना भी सदका। बहुत से लोग हमारे मजमे में बैठे हुए हैं कि मैंने उनकी कभी मुस्कुराहट नहीं देखी, है ना। अल्लाह ने चेहरा इतना अच्छा दिया है, जब मुझे देखते हैं आपको देखते हैं तो मुंह बना लेते हैं, अल्लाह की दी हुई अच्छी शक्ल को बिगाड़ लेते हैं।
अल्लाह ने जो अच्छी शक्ल दी है ना उसको बिगाड़ लेते हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया है, तबस्समा का फी वजहिया अखीका सदकतुन, अपने ईमान वाले भाई को देखकर थोड़ा मुस्कुरा दो, अपने चेहरे को बिगाड़ो मत, अल्लाह ने अच्छा सा चेहरा दिया उसको क्यों बिगाड़ दिया। इस तरह के प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर बहुत सारी सुन्नतें हैं। हम आप इरादा ये करें इस मजमे के अंदर कि इंशाअल्लाह ताला इस माह मुनासबत की, इस माह की मुनासबत से हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाले होंगे। किसकी सुन्नतों को जिंदा करेंगे? क्यों? अल्लाह के नबी ने अपनी सुन्नतों को जिंदा करने का और सुन्नतों को लाजिम पकड़ने का हमें आपको हुक्म दिया है, और सुन्नतों के जिंदा करने पर हमारे आपके लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 शहीद का सवाब का दर्जा दिया है। इसलिए इस मजमे में क्या करेंगे, हम इरादा करेंगे, किसका इरादा करेंगे, किसका इरादा करना है, किसका आजम करना है, किसको पूरी जिंदगी में किसको अमल में लाना है, कि आका की सुन्नतों को हम आप जिंदा करेंगे। वक्त खत्म हो गया है, अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह इससे ज्यादा भी बात कर सकता हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मैंने मौलाना को कहा था मैं अपनी बात वक्त को खत्म कर दूंगा, अपना 1:20 का वक्त है, जिन लोगों की सुन्नत बाकी है सुन्नतें पढ़ ले। वाह।